कृष्णचंद्र भगवान की जय। नरेश भीम कर जन्म लियो दमयंती, रतन रूप अनूप मनोहर नार महान कुलवंती, स्वयं लक्ष्मी जो सुंदर शान होगी दमयंती जवान। राधा रज स्वयं वरदान होगी दमयंती जवान, राधा रज स्वयं वरदान होगी दमयंती जवान। अजी दमयंती देवान हो गई, दमयंती देवान हो गई, दमयंती देवान राजा हो, राजा रज स्वयं सुत निषद राज नर सर्व ज्ञान संपन्न, रूप गुण तप तेज पान जो अश्व कला प्रसन्न, भूप शिर मोर श्रेष्ठ स्थान होगी दमयंती जवान। भगवान की जय। तो देखो विदर्भ देश के मायने राजा भीम की लड़की, संसार के मायने इतनी सुंदर शिवा दमयंती, किवी के समान संसार में औरत और देवता के मायने बठिने देविया भी कौन जी इतनी सुंदर। विदर्भ देश नरेश भीम कर जन्म लियो दमयंती, रतन रूप अनूप मनोहर नार महान कुलवंती, स्वयं लक्ष्मी जी सुंदर श्याम, साक्षा लक्ष्मी जी के समान सुंदर जी। और वी की तरह ही बठिने निसंदेश को राजा वीरसेन को लड़को राजा नल, वीरसेन सुत निषद राज नल सर्व ज्ञान संपन्न, रूप गुण तप तेज बहन जो अश्व कला प्रसन्न, वी के समान भी कोई संसार में और देवता के मायने सुंदर कोई इंसान कौन जो। तो संसार में आपस में एक दुनिया की चर्चा सुन सुन, दुनिया के आपस में भी यही प्रेम हो दूर दूर से, बट इन तो दमयंती के भी यही इच्छा हो रही कि आपने अगर शादी नल राजा के साथ में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे, नल राजा के भी यही इच्छा हो रही कि अपनी शादी दमयंती के साथ में जाए तो ठीक रहे। चर्चा हुई चराचर नल दमयंती जग विख्यात, चिंता में निमग्न हो गया दोनों जन दिन रात, ली एक दूजा की मन ठान होगी दमयंती जवान। जवान राजा रज स्वयं वरदान होगी दमयंती जवान।
आपस में एक दूसरे की मन के मायने ठान राखी है दोनों। एक दिन राजा नलिन भी दमयंती का सोच फिक्र के मायने या उदास हुए और बगीचा में जार बैठ गो। कुछ हंस पक्षी उड़ रहा था, वहां के मान से एक हंस ने पकड़ लियो राजा नल। वो हंस देखकर बोले कि महाराज थे मैंने मार लिया, मत मैं आपको एक अया को काम करूं लो, भी दमयंती ने अया को जार संदेश सुनाऊ लो खबर की बात था के अलावा फिर दूसरे के साथ में शादी करवा की इच्छा ही कौन वाली महाराज। पूछ गयो नर उपवन भीतर जगा देगी एकांत, एक हंस प्रेम की बात कही कुछ हृदय हो गयो शांत। कहूं यश दमयंती के कान हो गई दमयंती जवान, बात सुन राजा नल भी ने छोड़ दियो। तो वो हंस विद्रोह देश के मायने बगीचा के बाहर बैठवा दमयंती खड़ी जीवी के पास में जा और राजा नल की काई प्रशंसा कर रहे जो वो हंस। गया हंस विद्रोह देश में दमयंती नजदीक, नल संग ब्याह रचावो मानो राजकुमारी शीक। और नहीं नल के कोई समान होगी दमयंती जवान, और नहीं नल के कोई समान होगी होगी शादी करवो चाहे तो भी नल राजा के साथ में शादी कर जाए, भी के समान संसार में कोई भी सुंदर पुरुष को न जाए। काहे फिरे थे हंस, तू नार्या में रतन रूप नल पुरुषा को सिरमोर, देखा गंधर्व देव नाग कोई नल सर को ना और। रूप तप तेज गगन ज्यू भान होगी दमयंती जवान, रूप तप तेज गगन ज्यू भान होगी। को शिरमोर देखा गंधर्व देव नाग कोई नलसर को ना हो, मैं तो संसार के मायने नल के समान इतो सुंदर पुरुष को देखियो, देवता गंधर्व नाग सभी देखा थे लेकिन राजा नल जी इतो सुंदर कोई भी पुरुष को नहीं। रूप तब तेज गगन जो महान होगी दमयंती जवान। तो हंस का मुख से प्रशंसा सुन राजा नल की अरबी का दीर्घ मायने बहुत ही प्रेम होगा दमयंती का। सुनियो हंस को जिकर जिगर में था हुयो अनुराग, निषद राज नल की दमयंती भरी शीश में मांग। अजी मन में पति लियो झटमान होगी दमयंती जवान, मन में पति लियो झटमान होगी।
तुम्हें भी पहली बार संसार के मायने प्रशंसा सुनी राखी है राजा नल की, और वह हंसा का मुख समीप की प्रशंसा सुनी ने तो वह तो मन में पति मान ली भी की आप जी का नाम की माथा का मायने वह मांग भर ली। एक न एक दिन पूर्ण होगी सचमुच मन की मनसा, उठ जा पंची हंस तुरत मारी भी कर प्रशंसा, गगन में भरली हंस उड़ान होगी धन्यवान। आकाश में उठता है राजा नल ने जा संदेश सुना दिए कि महाराज आपकी तुम्हें प्रशंसा करी है और विकी भी प्रशंसा आप सुनी रागी। अब कठिन वा दमयंती रात दिन खाबो भी वो सब कुछ भूल गई राजा नल का चक्कर कमाए, ना सोती दिन रात भूल गई खान पान रग राग, आजी सोच फिकर कर दुबली होगी पागल हुयो दिमाग, गयो संदेश भीम दरम्यान होगी दमयंती जवान। रात भूल गई खान पान रंग राग, सोच फिकर कर दुबड़ी होगी पागल हुयो दिमाग, गयो संदेश भीम दरम्यान होगी दमयंती जवान। राजा भीम ने खबर मालूम है कि महाराज आजकल तो भाई जी महाराज गजे सब कुछ खाबो भी वो भूल चुका और रो बाग थागी कौन उदास उदास ही रहे जर कोई से बातचीत भी कौन करे। राजा बुद्धिमान जो भीम राजा मन के मायने समझ गो कि अब यार जवान होगी की शादी कर देगी जाए जापान। भीमराज गुणवान ज्ञान ने छान लियो दिल अंदर, दिया निमंत्रण सब राजा ने झट रचवायो स्वयंवरी, कियो सबको आदर सम्मान होगी दमयंती जवान कियो, कियो सबको आदर सम्मान होगी। महाराज भीम राजा देश विदेशों का सब राजा ने निमंत्रण दे दिया, सब राजा लोग आ चुके और बठी ने भी स्वयं देह होता देख, और नारद जी महाराज इंद्र लोक के मान जा राजा इंद्र ने खबर सुना कि महाराज संसार के मैंने स्वयंवर बहुत देखे थे लेकिन आज तो एक अजब कोई स्वयंवर हो रही, एक अया की सुंदर लड़की जी महाराज दमयंती की कहीं तो आपकी ये देवता की देविया और कहीं मृत्यु लोक के मैंने औरता
वी के समान कोई सुंदर औरत कौन मारा है। और वी तरह की वो राजा नल से भी वीर सैन राजा को लड़को लड़को नहीं सब देश को वी के समान ही महाराज दे तार कहीं पुरुष कोई सुंदर कौन। नारद मुनि जा इंद्र ने दमयंती खतन सुनायो, इंद्र अग्नि वरुण देवता यम राज उठदायो, गगन में चालू किया विमान हो गई दमयंती जवान। इंद्र ने दमयंती खतन सुनायो, इंद्र अग्नि वरुण देवता यमराज उठदायो, तुम्हें की प्रशंसा सुन दमयंती की और चारों देवता रावणा होगा कौन कौन, इंद्र अग्नि वरुण और यमराज चारों स्वयंवर के मायने रवाना होगा कि चारों के मान से एक ही साथ में तो कम से कम शादी करी ले ली, आपा देवता का अपना अपमान थोड़ी कर लेगा। बठिन में चारों देवता जो आकाश के मायने विमाना बैठे हुए आ रहा था, राजा नल भी बैठे स्वयंवर के मान जा रही जो तभी राजा नल ने देवता देख ठंडा होगा, देख रहा सब देव तुरत नल ऊपर नजर पसारी, अजी काम देव सा रूप निरख सब चकित हुआ सुरवारी, नल सुन लाग्या करण बयान होगी दमयंती जवान, नल सुन लाग्या करण बयान होगी रूप निरख सब सके तो या शुरू भाई भी का रूप न देकर देवता लोग भी ताजु भी करेगी भाई आप तो सामने कहे कौन है, हर बात दमयंती यदि इतनी सुंदर से तो आपने कत प्रसन्न कर लिया, विमान तो आकाश में छोड़ दिया धरती को ऊपर आगा देवता। राजा नल सुन बातचीत कर रहे थे कि भाई तू एक काम करे, माँ को दूत बने और कोई संदेश पहुंचाना चाहे बैठे को जा रहा तो संदेश पहुंचाया कि महाराज आपको परिचय बचाई, आपको परिचय बता दिया कि मैं तो इंद्र सु इंद्र अग्नि वरुण यमराज चारों का चार्य का नाम बता दिया, तो महाराज जानो खटे जाए कि तू विद्रव देश के मायने जा और दमयंती ने यह सूचना दे दी कि प्रकार से वे चारों देवता आ रहे थे सारे पास में स्वयंवर में और चारों में से एक ने छुने और कोई सा साथ में एक की तो शादी कर ले। राजा इतनी बात सुन बड़ो अफसोस करेगी तो खूब जुलम होगी, आप तो भी काम से जा रहे जा अरे तो सारो काम गड़बड़ हो रही थी महाराज, मैं तो रात दिन बेचे ना और फिक्र कमाया ने तो अरे महाराज ते यहाँ कहीं बात करे तो मैं बैठा कौन जा सकू, बाबा का जो तू पहली वचन बद्ध हो चुके मासू हाँ कर ली नहीं और तन मालूम होना चाहिए मैं देवता लोग चार साथ में यमराज खड़ा जाए, यमराज का अगर अपमान हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाए, जहाँ यमराज ने गुस्सा को ने तो बहुत गड़बड़ हो जाए लोग काम, तो राजा नल भी ठंडो को भी आ रहा तो खूब ही निषद राज नल मदद करो बन जाओ दूत तिमाना, कर प्रतिज्ञा बोल रहे हो क्या काम को हन का जाना, परिचय सुन हो गो हैरान होगी दमयंती जवान परिचय। शंकर भगवान की जय।
राजा नाल उदास हुए और वह देवता को वो संदेश देर बैठे पूंछ को साहब की तरफ देश का मैंने कहा तो महाराज पहलिया पूछ ली महाराज मैं जाऊ लोग यहाँ बैठे हजारों सैकड़ों पेरादार चौतर खड़ा देर भी लड़की के पास में मन को जावा दे लो कि तन में यहाँ की शक्ति देखा तो अदृश्य हो जाए लो सिर्फ दमयंती का लाओ कोई नहीं गुंदी कह लो कि ठीक महाराज तो वह देवता की शक्ति का प्रताप से वो बट महल के मैन पूछ को साहब दमयंती के पास में जाकर सारी खबर दी दमयंती के दरम्यान जाकर सारी खबर दी दमयंती के दरम्यान वर्तांत सुन रही हूँ कही आपने पति लियो मेहमान नातर दूंगी त्याग प्राण होगी दमयंती जवान नातर दूंगी त्याग प्राण होगी दमयंती जगदम्बा भवानी की जय जार सारी खबर सुना दी की प्रकार से वे चेहरे दे तेरे चेहरे में से तो एक ही साथ में शादी कर ले दमयंती देकर बोले कि महाराज बीते दिन वह हंसा का मुख आपकी प्रशंसा सुनी जी ने बीते दिन सही में तो आपने पति मान लिया महाराज और आप यहाँ कहीं बात कर दुख है तो आपके साथ में शादी हो जाए थी मंजूर कर लो नहीं तो मैं आत्महत्या कर खत्म हो जाऊंगी तो कि भाई क्यों भी कर मैं मारी तो क्यों बात खही कर सकू मैं तो वचन को पालन कर रही हूँ देवता को कहीं करूँ अगर महाराज वचन का पालन ही करो दे और वह देवता की सात के मायन आ जाइयो और वह की सात के मायने में आपने मारो पति चुन ले सबके सन्मुख वर्ण करूं बोली दमयंती नार हाथ जोड़कर अर्जी सब देवाने नमस्कार राजा नल की ओ प्रस्थान होगी दमयंती जवान राजा रज समाचार सुन देव की ओर रंग मंडप में प्रवेश आजी हुयो स्वयंवर चालू पूछा देश देश का नरेश नल चुन लियो देव धर ध्यान होगी दमयंती जवान यम वरुण दो तो दिया वरदान भगवान साय चल दिया देवता की ओ स्वर्ग प्रस्थान गया राजा सब थान मकान होगी दमयंती जवान गया राजा सब थान मकान होगी दमयंती जवान राजा चंद्र भगवान की जय चलो स्वयं मृगमान सब राजा लोग बैठे हैं यार बैठी ने
राजा नल भी पूछ को देता सात के मायने अब देता कांचा लगी कर राजा नल को सोई चार जना रूप कर ले तो पांच राजा नल होगा। दमयंती वा बरमाला हाथ में ले रही तो पांच राजा नल दिख जाम की अपनसा गला के मैंने बरमाला डालाया नना मन के मैंने प्रार्थना करी जय वा जाने तो जीवा देवता लोग आया हुआ मन में प्रार्थना करी थी देवता ने कि महाराज मैं पतिव्रता सुर मारा मन से मैं पति राजा नल ने मान चुकी महाराज अगर ती मारो पतिव्रता धर्मी नष्ट करवो चाहो कोई आई था का वेद शास्त्र में लिखेड़ी है जो तो अलग बात से नहीं महाराज मन एक शक्ति दो बुद्धि दे जो मैं राजा नल ने पहचान जाऊरिया बरमाला भी का गला में डाल दी तो देवता आया को अन्याय थोड़ी कर सकेगा बिन आया की बुद्धि दे दी नहीं कि वह अपनी आप पहचान जाए कहीं तरह की बुद्धि आगे दिमाग में कि एक तो देवता की पलक बंद को न एक धरती को ऊपर पैर को टिक तो राजा नल ने वह आराम से पहचान की अरविंद का गला में वह बरमाला डाल दी नहीं चलो सर स्वयंवर को काम पूरा हो चुकी हो देवता लोग आपकी तरफ से भी ने दो दो वरदान दे राजा नल ने और आकाश मार्ग से रवाना होगा रस्ता के मैन वो कलयुग मिल गो आतो वो भी स्वयंवर में आ रहे जो द्वापर ने साथ ले कलयुग देखकर बोले कि देवता ने की थे घट जा रहा है तो मैं भी दमयंती का स्वयंवर में गया था वो तो कहीं हो गए स्वयंवर हो चुके हो राजा नल ने वहां पति चुन लिया और ले चले गो तो कहते था को अपमान कर दिया वह दमयंती थाने कौन चुने कहते नहीं मां को अपमान कौन करो मां की आज्ञा से ही बिन पति बनाए जब कोई प्रकार को अपमान को नहीं और मैं बिन दो दो वरदान और दे रहा है जमा की तरफ से लेकिन वो तो कलयुग जो ने गुस्सोखार देखकर बोलियो कहते नहीं हाँ देवता की पहली बात तो था कि गलती से थे भी ने छोड़ आया और अब मैं जाऊं सुन मैं राजा नल ने मैं समझ लियो लो जी का राजपाट ने तीन मिनट में मैं तीन मिनट का मैं नष्ट दृष्ट कर दूंगा सारा बठीने राजा नल भी दमयंती ले रहा आपका देश ने सदेश के मान आप पूछो और बठीने जी को राजपाट दृष्ट कर बाबाजते वो कलयुग द्वापर ले द्वार को ऊपर डेरो डाल दियो तो राजा नल भी भगवान को भक्त जो तो वो कलयुग या तरकीब सोचते रहे कि कोई भी प्रकार से इनकी कोई भक्ति के मान कोई कमी दिखे नहीं तो आप आई का शरीर के मान प्रवेश कर जाओ कलयुग कोप हुयो नल ऊपर ले द्वापर ने लार आजी करूं राज सुवंचित में दिखलाऊं चमत्कार द्वारे डेरो दियो डाल बिखा में बटके द्वारे डेरो दियो डाल बिखा में बटके द्वारे डेरो दियो डाल बिखा में बटके राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके दमयंती रही काल बिखाई नड़के राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके दमयंती रही काल बिचारी नड़के एक दिन भी कलयुग को मौको मिली गो राजा नल ने शाम का टाइम के मैंने भगवान का पूजन पाठ करवा लगे उन्हें जना
हाथ मुंह तो धो लियो लेकिन पैरा ने भूल गो पैर को धोया तो माला फेर बाका नीम के मान जरूरी है हाथ पैर मुंह कान आन तो धोना ही चाहिए। तो राजा नल पाव को धोया तो भी कहा पावा के मायने और प्रवेश कर गो शरीर के मायने अरे साहब बुद्धि ने भ्रष्ट कर दी राजा नल की। बटी ने राजा नल को एक भाई जो पुष्कर तो भी पुष्कर ने जा दूसरो रूप बना वो कलयुग हर पुष्कर ने जा ले पुष्कर थारी में विजय करवा दू लो और तू जा राजा नल से जुआ खेल ले और सब राजपाटन दिला दिलो थारी पूरी मदद करो लो भैया। तो वो पुष्कर मूर्ख छो राजा नल ने कहीं जीत सके लेकिन वो कलयुग मदद करे थे देखो भी राजा नल का तन में कियो कलयुग ने प्रवेश जा पुष्कर ने कही जुआ को दे नल ने आदेश। पुष्कर चाल पड़ो तत्काल भीखा में बट गए पुष्कर चाल पड़ो तत्काल भीखा में बट राजा हो कंकाल भीखा में बट गए दमयंती रही काल पिताड़ी नड़ गए राजा हो कंकाल भीखा में बट गए। पुष्कर राजा राजा नल ने कहे कि महाराज मारी साथ के मैं आप चौपड़ खेलो और सब चीज आपको जितो भी धन माल जी मैं मारो दाव पर लगाऊ जुड़ते भी दाव पर लगाओ। राजा नल ने बड़ो गुस्सा मुर्ग इतनी बात करी जापा ने अब देर को काम ही गई खट साहब चौपड़ पीछा दे ली। तो राजा नल की तो बुद्धि भ्रष्ट कर रहा जिन्हें वो कलयुग मत ही फेर दीजिए भी की। तो सारो राजपाट धन माल सब कुछ हार गो राजा नल चौपड़ भवन बिछाई पुष्कर पूंज गयो दरबार अजी अशुभ गजरथ राजपाट नल गयो सर्व सवहार हारियो सब कुछ धन माल भीखा में बट गए हारियो सब कुछ धन माल भीखा में बट गए राजा हो गयो कंगाल भीखा में बट गए दमयंती रही चाल पिताड़ी नड़ गए राजा हो गयो कंगाल भीखा में बट गए। बोल जगदीश महाराज की चौपड़ भवन बिछाई पुष्कर पहुंच गयो दरबार अश्व गजरथ राजपाट नल गयो सर्व सवहार हारियो सब कुछ धनमान। बड़ी ने सारी प्रजा इकट्ठी होगी राजा नल ने प्रार्थना करी थी कि महाराज यथा आपकी काई बुद्धि भ्रष्ट होगी ते महाराज सब कुछ ही जाए सारो ही राजपाट दान पर दाव पर लगा दी और सब कुछ हारता ही जा रहा जो महाराज अब बंद कर दे। रानी दमयंती भी बहुत मना कर रही लेकिन वो तो कलयुग प्रवेश कर रहा है जनवि का शरीर के मायने जो बुद्धि नहीं फेर रहा जी तो भी की तो आगे से आगे रुचि बढ़ती जाए। पर जा करे पुकार भूप ने रानी जोड़े हाथ आज कलयुग नल की मती फेर दी है कन मानी बात रानी मन में करे ख्याल भी खा में बट गए रानी मन में करे ख्याल भी खा में बट गए राजा हो गो कंकाल भी खा में बट गए दमयंती रही काल पिताड़ी नड़ गए राजा हो गो कंकाल भी खा में बट गए। रानी दमयंती मन के मायने समझ गई कि अब राजा अपनी बात मानना को आप तो अब कंगालो वाला था थोड़ी देर के मायने तो भी कहे एक लड़को और एक लड़की चाह इंद्रसेन और इंद्रसेना तो दोनों लड़कियां लड़कियां ने लड़का और लड़की ने वाशरण सारथी ने बुला और वहां के वहां ननियाल भेज दिया ना देरे कि ले भाई सारथी तू बैठे यानी ले जा छोड़ देर बैठे तू भी रह जा जी। तो वो सारथी तो वहां बैठे छोड़ ननियाल के मायने और वो तो अयोध्या के मायने जा रही तू पण राजा के नौकरी का बला को वो वासन सारथी बैठे उधर की अब बठीन वो पुष्कर खरी थे राजा नल ने कि महाराज और क्यों दाव पर लगा ली चीजें आप तो खाली एक दमयंती रहेगी बाकी इन्हें भी दाव पर लगा दे। तो दमयंती ने दाव को ऊपर पण लगाई राजा गुस्सोकार खड़ो है और आपका शरीर का सारा ही राशि वस्त्र उतार और खाली एक सिर्फ आधो वस्त्र ही शरीर के ऊपर लपेट और रवाना हो साथ में रानी भी रवाना हो वह भी एक ही साड़ी तन को ऊपर रखी क्योंकि पति का भी आधो एक ही वस्त्र सो तो वह भी एक ही वस्त्र ले लियो। राजा नल अत्यंत दुखी हो छोड़ चलो रंग मैल एक वस्त्र तन धार दमयंती होगी नल की गैल पड़ गो हद संकट को जाल भी खा में बट गए पड़ गो हद संकट को जाल भी खा में बट गए राजा हो गो कंगाल भी खा में बट गए दमयंती रही काल पिताड़ी नड़ गए राजा हो गो कंगाल भी खा में बट गए दमयंती।
दियो डिंडोरो फेर नगर में पुष्कर कियो घमंड, जो नल को सत्कार करे वो पासी मृत्यु दंड। रात दिन दिया तीन निकाल बिखा में बटके, रात दिन दिया तीन निकाल बिखा में बटके। फिर वो पुष्कर अपनी बैठे निसदेश को राजा बनी को, तो वो नगरी के मान डिंडोरो फिरवा दिए कि जो नलको और दमयंती को सत्कार करे लाने भी मृत्यु दंड यो जाए लो। दियो डिंडोरो फेर नगर में पुष्कर कियो घमंड, जो नलको सत्कार करे वो पासी मृत्यु दंड। तो राजा रानी आखिर में सम्मान करवा लायक था, लेकिन कोई भी मां को आदर सत्कार वो न करे। नगरी से बाहर जंगल के मान चलेगा, तीन दिन बीत गया। तीन दिन बाद के मायने एक जंगल के मान विश्राम ले रहा, तो पास के मान कोई तीतरार बैठ गया। वह तीतरान देख राजा को मन ललचाएगी, या नापा पकड़ लिया और या बूंद रापा खा लेना। तो सिर्फ शरीर के ऊपर एक आधो कपड़ो तो सोई भी, आधा कपड़ा न खोले और वह तीतरा के ऊपर डाल दियो, तो तीतर भी कपड़ा नहीं ले रहा, आकाश में उड़गा और उड़ता हुआ आवाज लगाई कि राजा तू बटे सु यो आधो वस्त्र लपेट रहा हो, जो नहीं को दुख चुमा कर तू बिल्कुल नगो या तो बटे सु जद माँ के खुशी होती ई कारण से वस्त्र लेवा वास्ता आया जा, और तुम्हारा तीतर मत समझ। चलो तो राजा तो बिल्कुल अब नगो हो सही, अब बड़ो लाचार हो। गयो रूट रघुनाथ निषद नल हो गो नग्न शरीर, सुन दमयंती सतवंती चली जा थारे पीर। नृप राणी ने कयो सवाल बिखा में बटके, नृप राणी ने कयो सवाल बिखा में बटके। राजा हो गो लाचार हुए राजा नल भी दमयंती ने खेजगी ले दमयंती, खैर मैं तो दुखी छुई, लेकिन तू अब तुहार पीर चली जा, एक रस्तो बता दियो कि जाए यो रस्तो कुंडिनपुर शहर के मायने जाए जाए, और तू बैठे चली जा थारे पीर। दमयंती व सतवंती जी पतिव्रता औरत जी राजा नल देख कर बोली कि महाराज दुख सुन दुर्बोल नैन आंसू भर बोली दमयंती, अजी निर्जन मन में ना छोड़ू मैं प्राण नाथ बुलवंती। कहो मत बारंबार मिसाल बिखा में बटके, कहो मत बारंबार मिसाल बिखा में बटके। राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके, दमयंती रही काल पिटारी नरके। राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके। दुख मैन में आपने छोड़ थोड़ी जा सकुछ महाराज, दुख सुन दुर्बल नैन आंसू भर बोली दमयंती, निर्जन मन में ना छोड़ू मैं प्राणनाथ बलवंती। कि महाराज जब तक मारा शरीर में प्राण जने, जब तक प्राणनाथ में आपने छोड़ कर सकू और मैं साथ में ही रोनी, चाहे इस समय ज्यादा दुख क्यों न हो। अरे राजा आप नग्न शरीर हो नहीं, कारण से बड़ो ही लाचार हो रहे, जो बहुत दुखी हो रही मन। रानी ने बहुत ही समझाई, लेकिन एक भी बार कौन मानी रानी। पीर चली जा राजा रानी कही अनेकों बार, पीर चली जा रानी राजा कही अनेकों बार। अजी भूख प्यास सु पीड़ित एक पूछा धर्मशाला जार, निद्रा भरण करी कमाल बिखा में बटके, निद्रा भरण करी कमाल बिखा में बटके। राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके, दमयंती रही काल पिटारी नरके। राजा हो गो कंगाल बिखा में बटके। जंगल के मान एक धर्मशाला जी भी धर्मशाला में जा, रात का समय के मान विश्राम ले लियो, तो दमयंती तो खट नहीं जागी और राजा ने तो कहा कि निद्रा हो जी। तो राजा मन के मान ये विचार कर रहे थे कि आपने ये दमयंती ने बहुत समझा दी, लेकिन ये पीर तो जाएगा ना, एक काम करो इन्हें आप सूत नहीं छोड़ चले जा लांग, तो ठीक है। दुख की दाजी दमयंती ने निद्रा ली नहीं घेर,
छोड़ चलू रानी ने नल के दिल में हुई अंधेर हुयो बेहद मन में मैं लाल बिखा में बटी में रही चाल पिछाड़ी नरक दमयंती रही चाल पिछाड़ी नरक दमयंती रही चाल पिछाड़ी नरक आपा तो रानी ने छोड़ चले जाना तो बहुत ठीक रहे और रानी ने बहुत निद्रा आ रही बैठी हर कद आप चाला तो सही लेगी ना अपना शरीर वास्ते कोई कपड़ो तो चाहे जाने तो रानी एक साड़ी और ड्रा की जाए आधी साड़ी ने काट लाए तो ठीक रहे लेकिन रानी ने मालूम न पड़ जाएगी जो कुछ से काटा फिर कोई अपने कोई साधन कौन जिसको काट लिया लेकिन वो तो कलयुग मदद कर रहे थे ना बुरा काम के मायने तो खट पास के मायने एक तलवार दिखाई तो वह तलवार उठा और राजा नल दमयंती को आधो वस्त्र काट लियो साड़ी अर दमयंती ने बिल्कुल मालूम कौन चेत को नहीं हो आधा वस्त्र ने आपका शरीर ने ढको और दमयंती ने छोड़ रवाना हो जाए लेकिन थोड़ी दूर चले जाए फिर वापिस आ जाए वह ममता जी ने या निर्दोष रानी जे और पतिव्रता जे सतवंती जे की साथ के मैंने आप बड़ी अन्याय कर रहा जा अरे जब चेत हो लो ने तो जंगल का ये नार वगैरह इन्हें खा जाए लार या कई तरह से विलाप करेगी तो राजा के बहुत ही दिल के मान आज दुख हो लेकिन यह भी पक्की कर ली नहीं कि आप तो इन छोड़ चला ही ना थोड़ी दूर चले जाए फिर वापिस आ जाए चले जाए फिर वापिस आ जाए फिर आवे फिर जावे ममता जागी बारंबार छोड़ गयो निंद्रा में सूती दमयंती भरतार रुदन से होगी अखियां लाल बिखा में बटके रुदन से होगी अखियां लाल बिखा में बटके पड़ी धूल के माए आज अनाथ नार की भांति चाल पड़ो भगवान साय नल करी बज्र की छाती रक्षा कर जे दीन दयाल बिखा में बट गए रक्षा कर जे दीन दयाल बिखा में बट गए हनुमान जी महाराज की तो महाराज बठिंद राजा नाल भी दमयंती ने सूती ने छोड़ चले जाए जे और अब थोड़ी देर के मायने रानी ने चेत हुए जे तो वो बहुत भयानक विकट जंगल जो नार बगेरा शिवाय कोई काम करो जो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर जा रानी ने चेत हुए बांध दिया रात अलग सु अब रानी सोत्र झांक से राजा नाल नजर कौन आए तो रानी के रोग आगे थाक कौन तो रानी विलाप कर रही जे दमयंती की कुंजर जो कुरलाई क्यों तक दियो प्राण नाथ गया छोड़ विकट बनमाई
अखियां रो रो कर होगी पागल बिचारी, अखियां रो रो कर होगी पागल बिचारी, हो जे बनाओ पिया आर, जीवन में दिया लिया अखियां रो रो कर होगी पागल बिचारी, तो धीरज बंधाओ प्यार, चिल्लाती बिलकती बन में बेहद करे बिलाप, लगे निकलवा रानी ने एक भूख वाच कर सांप, तो रानी तो पागल की जिया जंगल के मायने रोती बिलकती भागरी जी, अरे एक भूख वाच कर जो, वो रानी ने खट मुंडा के मायने ले ली निकलवा लाग को, तो रानी बहुत जोर जोर से आवाज लगा रही थी, लेकिन भी जंगल के मायने भी कौन सुने जो, लेकिन एक शिकारी के कान के मायने आवाज पड़ेगी तो वो शिकारी भागे भागे आवाज भी अजगर ने खत्म कर दियो, और रानी ने बचा ली नहीं। रानी ने पूछे जब वो वीका रूप ना देकर वो मोहित हो वो शिकारी, पूछने लगे शिकारी तुक की खेती खोल कहानी, नीत नीच की बदली झट शराब दे दियो रानी, जल बल हो यो बस में शराब सुन, जल बल हो गयो बस में शराब सुन, ओ सती नार भगेरा रींच राग सस देख्या जिंद पलीत, पति विरे का संकट सुन हो रही सती भयभीत, हो गई ऐनात रानी आदि शादी तन फिर, हो गई ऐनात रानी आदि शादी तन फिर, तो पिया पिया रही थी पुकार, जीवन भागती। हाँ, पूछने लगे शिकारी दुख की खेती खोल कहानी, और नीत नीच की बदली झट शराब दे दियो रानी, तो आपकी दुख की सारी बात भी शिकारी ने बता दी कि मैं आया दुखी छू और मारो पति मैंने सूती छोड़ ले जाने जंगल में खटे बाग को, शिकारी देख बोले की कोई चिंता की बात करे मत करे तो तुम्हारे घर अनचाल, अभी की नीत रवि की बात ना सुने, रानी तो बड़ो गुस्सा तो सतवंती थी ने भी तो जवान ही सिद्ध हो जी, तो कि जा अगर मारो पतिव्रता धर्म सच्चो चेर में सतवंती सुने तो मारा पतिव्रता का प्रताप से तुम जा जलर भस्म हो जा, तो आग समाधि का शरीर के मायने आग लागी वो जलर भस्म हो गो शिकार, चलो सब ठसो आगे रानी रवाना हो जाए, तो एक जंगल को बहुत भयानक एक शेर मिल गो रानी, खेती नल की खबर ठहरो शेर बनी का राजा, नातर थारी भूख मिटा ले आज मैंने तू खा जा, विशिंग काटी फिर की कह दो तू नल राजा की खबर बता दी, मैं वो नल राजा तन मिले हो तो बता मैंने नहीं तो थारी भूख मिटा, लेकिन वो भी पाचो उम्र चले गो, मैं पुत्री समान आपकी हे पर्वत महाराज, एक पर्वत ने प्रार्थना कर रही थी, मैं पुत्री समान आपकी हे पर्वत महाराज, नल आयो मैं नजर खबर कुछ मुख संख दे आज, तू तो बहुत ही ऊंचो जता रो शिखर, लेकिन तू भी की खबर बता दे और मैं आपकी पुत्री के समान छू, लेकिन कोई भी बातचीत कौन करे रानी छू, बीत गया दिन तीन नजर कुछ आया साधु लोग, अर्ज गई तपस्या ने कद नलसु होशी समझो, तो ये जंगल के माया निशाने जो एक साधुओं की कुटिया देगी बटे कुटिया में जा साधुओं ने पूछी की महाराज आप महाराज तपस्या करे जो तपस्या का प्रताप से मैंने भी महाराज ही बताओ कि मैंने राजा नल सिंह कद मारो समझो बोलो कद मिल जा लो राजा नल मन, वह देख रहे बोले कि जा बेटी कोई चिंता की बात मत करे तू सारो राजपाट और राजा नल तन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जा बेटी नल शीघ्र मिले सब राजपाट सम्मान, इतनी खे आसम सु साधु होगा अंतर ज्ञान,
तो थोड़ी बीती बात करे साधु बंत्र ध्यान होगा रानी देखी अपन कोई सपना की जाए यो कहीं दृष्टान्त दिखे हो बट सु अगर रानी रवाना हजे तो कोई जो पैर को दल जा रहे जो हाथी घोड़ा आ रही है लीर जा रहे जब जो पैरी लोग तो वन वा पूछवा लागी की भाई खटे जावला तो भी नगर को नाम जो सुबहू राजा की राजधानी जी चेती देश तो कुछ मैं बैठे जावला व्यापार करवा वास्ते तो वहां की साथ साथ के मायने रानी भी होली नी आगे जंगल के मायने वहां रात होगी तो एक तालाब के निकट आपको डेरो लगा लियो वे अब सब सोगा रानी भी दूर पर जा रही एक पेट की छाया नहीं जा आराम कर ली। अब रात का समय के मायने बैठे जंगली हाथी आवे जे तो वहां व्यापारियों का जो हाथी घोड़ा था ना सब ने खत्म कर दिया कितना ही आदमी ने मार दिया तो थोड़ा बहुत बचाने में व्यापारी लोग जब मन में बैठे बैठे विचार कर रहे कि आप अपनी जिंदगी की होगी आपने अठारह जाता लेकिन कभी भी यहाँ की घटना कौन हुई वह जो सात के मैं ना इसी ने वह कोई राक्षसी जी और वह आपकी माया फैला दी नहीं और इनका कारण सो आपनों सब कुछ यो आपने कही तो जानवर मरगा आदमी भी मरगा। अब एक काम करो भी की तलाश करो वह घटे अब आपा भी न मारा ला रानी दूर बैठी बैठी सुन रही जी रानी बैठे सु भागी आगे रास्ता के मैं सुबह को टाइम हो रस्ता का मैंने कोई पंडित लोग मिल गया पंडित विद्वान लोग जा रहे थे मान देख बोले कि मैं आज थे कटे जाओ जो कि भाई मैं सुबह हो राजा की राजधानी में जा रहा था चेती देश में तो कि मैं बटे चल वहां के साथ साथ पहुंच गया पंडित लोग तो आपके काम से कटा चलेगा और वहां नगरी के मैंने अभी पागल की जी घूम फिर रही पागल समझ रही कई छोरा छोरी मतलब कोई पत्थर फेंक रही और कोई गाड़ियां बकरी और न जाने के तमाशा आ रहा छोरा छोरी में बट इन सुबह की राजा की जो रानी जी ने वह महल सुन देख रही जी विकार रूप न देख रहा मन में विचार लगाएगी या कोई दुखी है आपकी दासिनी वेदर बिन बुलवा ली नहीं और बिन पूछ रही जी भाई तू कोई पागल जो हकीकत में या काई कारण से कोई दुखी बचत भी है घूम रही है कोई बात बता ना आपको सारा दुखो वृतांत सुना देगी महाराज असली बात तो बताई को नहीं की मैं दमयंती रानी छू मारो पति राजा नाल जे वह तो यहाँ पर्दा में ही बात खेती नहीं की महाराज मारो पति छे जो मैंने जंगल के मैंने सूती भी छोड़ चले गए और भी कहा चिकर के मायने में पागल हो रही रानी देखकर बोली कि ले बेटी तू चिंता मत करे तारो पति तो कदे भगवान कोई मिलाप कर करवाओ लो तो हो जाए लो लेकिन तू एक काम कर तू अठे मारे काम करवा लाग जा ठहरे जा दासी बन रहे पड़ लो तो कि महाराज मंजूर से दासी बन तो रह जाऊंगी लेकिन एक शर्त के ऊपर रह लू रूली में कि काई शर्त है शर्त यही है कि तो कोई पराया पुरुष का पांव गंदो ली आप अठे राजा लोग जो कई मेहमान लोग आवा जाएगा पांव वाव दुपाओ तो वो काम मारा सुन लो अरे एक कोई को झूठो भोजन को खाऊ ली हर पराया मर्द से कोई समय बात कौन करूं ली कोई दूसरो मारी इजाजत बिना कोई मारे से बात कौन कर सके एक काम से अगर मैं मारा पति का बारा के मैं कोई पंडित विद्वान लोग ने कोई भी बातचीत पूछूं तो भी की मैंने इजाजत रे ली बात करवा तो रानी मंजूर कर ली थी जा मंजूर से तो भी रानी के भी एक लड़की जी सुनंदा भी ने बुला और भी ने समझा ली जवा कि जा बेटी तो थारी बहनी समझ जे और इसे कोई भी प्रकार को मतलब तू राग द्वेष मत राग जे प्रेम राग